कोई भी आंदोलन आज तक सत्ता पाने के लिए हुआ है, हर आंदोलन से नेता निकलते हैं, नेता बनते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए और कुछ नेता पैदा हुए जो दिल्ली की सत्ता पर आ गए। अब इस आंदोलन से भी कुछ नेता आए हैं जो कल को वो भी सत्ता पाने का प्रयास करेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, यह तो साबित हो ही चुका है कि आज पूरा विपक्ष इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, इस आंदोलन में शामिल है। इसको प्रभावित करने के सत्तारूढ़ दल भाजपा और जेजेपी, भाजपा का वोट बैंक इस आंदोलन से ज्यादा प्रभावित नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस वोट बैंक से, इस आंदोलन से भाजपा का थोड़ा बहुत 1-2% इधर हो सकता है, इससे प्रभावित बल्कि मजबूत हुआ है। इस आंदोलन से भाजपा का वोट बैंक मजबूत हुआ है। जेजेपी, जेजेपी के युवा डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, वो एक बहुत पढ़े लिखे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, 31 साल की उम्र में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। अभी तक उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया है, उनका ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे कि लोग उनसे टूटे या उनसे कोई ऐसी बात हो। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में आने वाला भविष्य शायद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत आगे बढ़ सकते हैं और भाजपा और जेजेपी का गठबंधन फिर दोबारा से सरकार बनाएगा। आने वाले 3 साल के बाद फिर हरियाणा में भाजपा और जेजेपी की ही सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ समाचार के यानी के एडिटर इन चीफ राजेश कुमार जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की और बताया कि राजनीति जो है वो हरियाणा में कहाँ स्टैंड करती। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए समाचार के आरी.com पर।